मैम, आपका करियर शुरू हुआ फिल्म अभिमान से, फिर उसके बाद आप आगे चलती गईं और एक बार आपके कालीचरण में साथ हुआ, आपका साथ हुआ फिल्म हीरो में। तो फिल्म हीरो तक आते आते सुभाष जी भी काफ़ी हद तक फिल्म इंडस्ट्री में नए थे, उन्होंने भी बहुत फिल्में नहीं बनाई थी और आप भी उस वक्त अपनी फिल्म के कैरियर के उठान पे थी, तो आप लोग आपस में किस तरह से एसोसिएशन आप लोगों का हुआ? अभिमान के बाद, अभिमान में मैंने श्लोक गाया था और उसके बाद जो मेरा फुल फ्लेज जो पहला गाना था, दैट वाज इन कालीचरण विच वाज विद सुभाष जी। हालांकि वो उनका प्रोडक्शन नहीं था, बट आई वाज एसोसिएटेड विद सुभाष जी राइट फ्रॉम द फर्स्ट सॉन्ग। और उसके बाद कई सारी उनकी फिल्में हुई, जैसे कि कर्ज, उसमें भी मैंने बैकग्राउंड में गाया था उनके बैकग्राउंड में। और उसके बाद एक फिल्म बनी हीरो, जिसमें तू मेरा जानू है और डिंग डोंग, ये दो गाने मैंने गाए थे। और दिस वाज एक्चुअली, दीज सॉन्ग्स वर मेंट टू बी डब बाय अ सीनियर आर्टिस्ट, और बिकॉज शी वाज नॉट इन, तो फिल्म हीरो के ये जो दो गाने मैंने गाए, देवर मेंट टू बी संग बाय अ सीनियर आर्टिस्ट एंड शी वाज नॉट इन टाउन। तो एज अ डबिंग मैंने ये दो गाने गाए थे और उसी हिसाब से उसकी रिहर्सल हुई कि चलो इसको फाइनली डब किसी और ने करना है। और एक टेक, पहला ही टेक ओके था बिकॉज द म्यूजिशियन वाइज दैट टेक वाज वेरी गुड। और फिर मुझे पता चला कि द सेम सॉन्ग हैज़ बीन रिटेन्ड, जो तू मेरा जानू है। एंड सिमिलर थिंग हैपेंड विद द सेकेंड सॉन्ग ऑल्सो, डिंग डोंग, विच वॉज अगेन, मतलब मैंने आई जस्ट टुक अ चांस कि लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई, कि हो सकता है अगर ये रिटेन हो तो यू नो इट कैन गो अ लॉन्ग वे। तो लकीली दोनों गाने रिटेन हुए एंड आई एम सो ग्लैड कि दे बिकम मेजर हिट्स। आपकी इन दोनों फिल्म्स में सुभाष जी के साथ म्यूजिक डायरेक्टर रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो आपको जो चूज करना, आप ये आपको सिलेक्ट करने की चॉइस किसकी रहती थी, स्पेशली सुभाष गई की या लक्ष्मी जी की? क्योंकि उन लोगों को सुभाष जी के अंदर भी म्यूजिक सेंस बहुत था, वो भी वॉइस बहुत पहचानते थे, उन्हें पता रहता था कि कौन सी वॉइस है, तो ये सिलेक्शन किसका होता? डेफिनेटली, मतलब देखिए, ये दिस इज अ टीम वर्क और मुझे ये कहना डिफिकल्ट है कि वेदर माय नेम वाज सजेस्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर या तो फिर प्रोड्यूसर। लेकिन आई थिंक कि सुभाष जी के साथ मैंने इतनी बार काम किया था और एलपी के साथ भी बहुत मैंने गाने गाए, तो आई थिंक वेन एवर आई वॉज कॉल्ड इट वॉज बाई म्यूचुअल कंसेंट। और एक बात मैं बता दूं कि हीरो का गाना जिस वक्त रिकॉर्ड किया मैंने, तो उसी दिन मैंने सबसे पहली बार जो गायत्री मंत्र गाया था वो सुभाष जी के लिए गाया था। और आज भी अगर आप देखेंगे तो मुक्ता आर्ट्स का जो एम्बलम है, उसका एम्बलम है, उसमें गायत्री मंत्र है और वो मैंने और मनहर जी ने गाया है। अच्छा मैम, आपका इसका हीरो फिल्म के दो गाने, दोनों बहुत हिट, तो इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी एक बहुत अच्छी सी कोई घटना, कोई बात कोई रही होगी जो दो गानों की रिकॉर्डिंग में आई होगी, तो वो कुछ आप उनसे? ये काफी बड़ी घटना है ना कि मैंने डबिंग के लिए गाया और वो रीटेक हुआ, रीटेक भी दिया आपने, और समझे नहीं? आई गॉट, यू डिडंट अंडरस्टैंड, आई गॉट, दे वर मेंट फॉर लता जी एंड आई टुक अ चांस, आई सेड लेट मी सिंग एज अ डबिंग आर्टिस्ट, और वो बहुत अच्छा आपके लिए रहा, और दो सॉन्ग्स वर रिटेन्ड इन माय वॉइस, दैट वाज अ मेजर 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 इंसिडेंट। ओके, और मैम एक आपका सॉन्ग रामलखन के लिए रहा, तेरा नाम लिया तुझे, हाँ, उसके बाद फिर मतलब रेगुलरली मेरे फुल फ्लेज्ड गाने सुभाष जी के लिए हुए। और काफ़ी, मतलब ही इज़ अ एक्सट्रीमली म्यूजिकल माइंडेड पर्सन और उनका गानों का विजुलाइजेशन भी बहुत खूबसूरत होता है, सो ही ऑलवेज डज फुल जस्टिस टू द सॉन्ग दैट ही रिकॉर्ड्स। और उनकी इतनी म्यूजिकल इन्वॉल्वमेंट होती थी, मतलब थ्रू आउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सॉन्ग, नॉट ओनली कि गाने तक, इवन इन द म्यूजिशियंस है किसका क्या पार्ट है, और ही यूज्ड टू बी देयर 100%। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी रेयर इन प्रोड्यूसर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि जो भी म्यूजिक होता था या वॉट एवर, तो उसमें उनका 100%
ही वाज देयर ऑल द टाइम। अच्छा, ये एक सॉन्ग जो था आपका डिंग डोंग ओ बेबी सिंग ए सॉन्ग, इसके जो म्यूजिक थी वो वर्डिंग्स में थी, हमें वो म्यूजिक जो थी मुंह से निकालनी थी, तो इसके लिए आप क्या ब्रीफ रहे म्यूजिक डायरेक्टर और सुभाष जी से, क्या ब्रीफ? इसमें ब्रीफिंग कुछ नहीं था, एज आई टोल्ड यू दैट आई वाज टोल्ड दैट दैट सॉन्ग वाज फॉर अ डबिंग। तो जैसे जनरली ये होता है कि डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर इतनी मेहनत लेते नहीं है लोग, बिकॉज उनके मन में होता है कि ये फाइनली डब होना है, सो इट इज़ अप टू अस कि उस पर मेहनत करके यू नो सिंग इट द वे वी वुड सिंग फॉर अ टेक। और लकीली दैट वाज इट वाज रिटेन्ड। और ऑफकोर्स मतलब मेरे करियर में सुभाष घई हैज प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल, एंड ऑल्सो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। अच्छा मैम, आप लोगों का करियर साथ शुरू हुआ, साथ उठा, और आज दोनों अपनी अपनी ऊंचाइयों पे हैं, सिंगिंग की ऊंचाइयों पे आप पहुंची हैं। आप ऐसी वो हैं जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव फिल्म फेयर अवार्ड जीते जी। सुभाष जी ऐसे एक वो हैं जिन्हें आज शोमैन मिला राज कपूर साहब के बाद, तो आप अपनी नज़र में सुभाष जी को एक एज ए शोमैन कुछ डिस्क्राइब कीजिए। आई वुड से ही इज अ सेल्फ मेड मैन, और ही हैड वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन बहुत ही मैं मतलब उनको होनहार कहना इट्स लाइक सूरज को दिया दिखाने जैसा है, बट एक्सट्रीमली डेडिकेटेड और अपना काम जानने वाले और बहुत ज़्यादा मेहनती एंड एक्सट्रीमली म्यूजिकल माइंडेड, ही इज़ ऑलवेज बीन दैट। इसलिए उनकी जो फिल्म्स हैं, उनके जो गाने हैं, वो हमेशा लोगों को बहुत अपील करते हैं, और उनके फिल्म का म्यूज़िक हमेशा लोगों ने पसंद किया है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने और सुभाष जी ने जितने गाने आपस में साथ में किए हैं फिल्म के लिए, उसमें से आपको एक अपना सबसे अच्छा सॉन्ग हमें बताइए और उसकी एक लाइन भी सुना दीजिए। तू मेरा जानू, तो उसमें आप थोड़ा सा ये बात को रिपीट करके और तू मेरा जानू की एक लाइन भी करती है। सब उनके सारे ही गाने अच्छे हैं सुभाष जी के, बट माई पर्सनल फेवरेट इज तू मेरा जानू है नेचुरली। फिल्म हीरो का जो गीत मैंने गाया डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग और तू मेरा जानू है, तो दीज सॉन्ग्स बेसिकली मेंट फॉर अ सीनियर आर्टिस्ट, एंड बिकॉज शी वॉज नॉट इन टाउन, तो मैंने ऑप्ट किया कि दैट आई विल सिंग एज अ डबिंग आर्टिस्ट, एज अ डबिंग आर्टिस्ट फॉर द सॉन्ग। और वो जो गाना हुआ तो वो एक ही टेक उसका हुआ था, क्योंकि सबके दिमाग में था कि इस गाने को डबिंग करना ही है करके, लेकिन जिस हिसाब से ये गाना हुआ एंड सभी लोगों के मन को भाया, एंड देन दैट सॉन्ग वाज पर्टिकुलरली रिटेन्ड, बोथ द सॉन्ग्स रिटेन्ड।